हेलो गाइस, देखिए ये हमारा छोटा सा ट्रैक है। ये यहाँ पे नेरुल के एरिया में ये अपने बंदे लोग ये साथ में आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है, यहाँ पे विजिट करने जैसा तो प्लेस है। यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, ये सेम आपको ऐसा फील आएगा कि ऐसा लगेगा कि गांव खेड़े में आ गए आप लोग। देखिए एकदम छोटा छोटा फार्म हाउस, ये देखो, ये देखो छोटा छोटा झोपड़े के टाफी, ये देखो ये बोट है, ये सब मछुआर लोग का एरिया है। ये इतना पीस है, इतना शांति है ना यहाँ पे, और उतना ही ज़्यादा रिस्क भी लगता है मुझे तो यहाँ पे नाइट में आने के लिए। दिन के लिए ठीक है। ये अपने बंदे लोग आए अपने साथ में, ये बड़ी जैसे देख सकते वहाँ पे पूरा सिटी एरिया है, और ये सिटी के बाहर है पूरा एरिया है। गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेसेस है यहाँ पे। आप यकीन नहीं करोगे कि ये क्या बोल सकते इसको, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि साला ये मुंबई में, मुंबई जैसे एरिया में है, इतना क्राउडेड सिटी और उसमें इतना साइलेंस प्लेस, ये मिलना मतलब एक मिरेकल जैसा है, जैसे कि आप समझ पा रहे हो। तो अभी हम लोगों ने आज ऐसे ही हम लोगों ने जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे पानी आजू बाजू में, और यहाँ पे देखिए अपने भाई लोग कैसे चल रहे हैं, बस इनको कैसे एक्सप्लोर करना है बस। और आगे का एक प्लेस इतना भारी भारी प्लेस है ना, आपको एकदम मस्त में एक्सप्लोर कराऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए एंड तक, बस भाई का सुनो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट, बहुत सारा प्यार। फार्म हाउस है, जला हुआ एरिया है, शायद यहाँ से काफी मतलब बहुत जंगल जैसा एरिया हो गया था, घास भी पूरा जला दिया है। ये अपने ट्रैकर भाई लोग हैं, इनको जैसे जैसे टाइम मिलता है लोग ऐसा ऐसा ट्रिप निकालते हैं भाई लोग, तो आपको काफी ये बंदे का अलग ही स्वैग है। तोपा दे दिया भाई, दूसरा टोपा मिलना बाकी है। ये भाई वो ढूंढा आते रहो, किधर गया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, दुंडो हाथ आगे जा रहा है, फुल मजे में भाई वो तो। वो अंग्रेज लोग ना, इंग्लिश वाले साले इंडिया में रह के इंग्लिश बोलते हैं यार लोग, सी ऐसे लोग को ना बैन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बंदा तो भाई साहब जो फोटो, आप भाई का थोड़ा एक्सपीरियंस ले सकते हो, यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया हम लोगों ने अभी तक। अच्छा लगा वो थोड़ा जगह घूम के, घूमने जैसी जगह है, आप एक आप आके विजिट कर सकते हो। मैं आपको लोकेशन में मतलब अपना जो कमेंट पिन सेक्शन में ना सब लोकेशन वगैरह सब डाल दूंगा, कैसे आना है क्या करना है, बहुत पास में। अगर आप स्टेशन से यहाँ पे आना चाहते हो तो 30 रुपया रिक्शा में हो जाएगा, वरना आपके पास गाड़ी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए मिलते हैं फिर। देखिए वहाँ पे थोड़ा डील वील चल रहा है, फोटोग्राफर हमें मिल गया है, हम लोग के गांव का ही है, तो उसे थोड़ा डील चल रहा है कैमरा शूट करने के लिए, तो आगे आगे बताते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे तो ब्रिज जैसा कुछ लग गया हम लोग के लिए, कुछ नया नया प्लेस एक्सप्लोर कर रहे हैं यार हम लोग, मतलब जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा गहरा है। चलो 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 संभल के चलो, लग रहा है यार यहाँ से चलने के लिए। ये देखिए 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 भाई, आपको एक सीन दिखाता हूँ, देखिए बतख बोलते हैं, अभी पता नहीं कि अलग अलग लैंग्वेज में कहाँ तो क्या क्या बोलता है। Thank you.
आने जाने का रास्ता है देखो, काफ़ी बेस्ट जगह है यार। यहाँ पे इतना सुकून मिलता है ना, जो बंदा वर्क प्रेशर में रहेगा उस बंदे को यहाँ पे लाके छोड़ दोगे तो उसे पूरा सुकून मिल जाएगा उसको। ये देखो अपना फेमस पॉइंट पापिज रोड से जस्ट बाजू में। ये